पाजी पाजी एक दो मिनट दो मिनट लास्ट फोटो यस एक दो अरे ले छोटू अरे छोटू छोटू गद्दार बहुत स्वागत करता हूँ दयादिल से. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. मैं चाहता हूँ शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो देख लें ताकि जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. कुछ बोल रहे जिमी जी हैं. जिमी जी आप प्लीज़ गाना प्ले करें जरा. गहरी लाइट बंद कर दी मिली. हाँ ऊपर चढ़ के गए जगी दालिया खान के लिए आमिर अली के लिए. ये हमारा भाई बहुत ही हैंडसम है. इनफैक्ट जब ये वीडियो बन रहा था जब ये गाना हमारा बना तो गाना बहुत अच्छा कंपोज किया था शारिद तोशी ने और ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं. तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने बोला यार मुझे कुछ अलग करना है बिकॉज 99% सारे मेरे गाने जो पार्टी नंबर हैं और चल ही रहे हैं आप लोगों की दुआ से. तो मैं कुछ ऐसा चाहता था कि मेरा जब शो जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो गाना कुछ स्लो हो ताकि मैं शुरुआत स्लो गाने से करूं. ये तो सारे डिंग डिंग नीचे नीचे सारे गाने हिट होते हैं. Correct. तो गाना इनसे मैंने मांगा तो इनके नखरे बहुत थे क्योंकि ये गाना इन्होंने जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स के लिए बनाया था. हालांकि मैं बहुत बड़ा इनको ये पता नहीं है. तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बार गाना ट्राई करना और किसी हमारी मूवी में आ रहा था जो मैंने डेंजरस एक मूवी बनाई थी. काफ़ी डेंजरस मूवी रही वो. विभाषा थे और करण सिंह ग्रोवर उसमें थे. विक्रम भट्ट जी ने वो फिल्म बनाई थी तो उस फिल्म में हमारा गाना आना था. तो मैंने कहा ये गाना बहुत बड़ा यार तो हमें इस गाने को रोकना चाहिए और इस गाने के साथ साथ जस्टिस होना चाहिए. तो हम इसको थोड़ा रुक के रिलीज़ करेंगे. करते करते गाने को 2 साल हो गए और फिर जब हम डायरेक्टर के पास ये गाना लगेगी तो बोलते हैं आपको मीका सिंह को हमने कबीर सिंह बनाना है. तो मैं यार मीका सिंह जैसे करेक्टर के ऊपर फिल्में बनती हैं. मैं कबीर सिंह बनता अच्छा लगता. हालांकि ऑलरेडी शायद पूरी इतना हैंडसम लग रहा है कि आप बाइक पे जाएंगे और आप मॉडल को यूं घुमाएंगे. ये मैं क्या मुझे नहीं करना. उसके लिए हमारा ये हीरो है इतना हैंडसम हम आमिर है और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल गॉर्जियस आदिति है तो क्यों ना हम उनसे एक्टिंग कराएं और हम तीनों भाई जो हमारा काम है हम वही काम करें. अक्सर सिंगर खुद ही आजकल एक्टिंग करते हैं भले वो अच्छे दिखते या नहीं दिखते. हमने कहा हम खूबसूरत चेहरे लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद तोशी भाई. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बड़े भाई मीका भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट आवर म्यूजिक. हमारे संगीत को हमारे म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं बहुत पसंद करते हैं एंड थोड़ा मजाक करते हैं. भाई ने जब बोला कि गाना करना है तो मेरा रिएक्शन यही था. सच बोला यही था कि भाई करते हैं. नहीं मैंने नहीं बोला करते हैं. बट ये सच है कि ये इनका प्यार ही था कि इतनी बड़ी किसी फिल्म से गाने को निकाल कर जो ऑलरेडी शूट हो चुका है लंदन में ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं. तो इनको असल जो एक म्यूजिक लवर होता है ये उसकी पहचान है कि इनको लगा कि नहीं ये गाना फिल्म में जस्टिस नहीं करेगा और मेरी फिल्म जो है वो इस गाने के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है. गाना बहुत बड़ा है तुम्हारा. गाना बहुत बड़ा ये बड़ी बात है. तो उन्होंने वहाँ से ये फैसला लिया कि इस गाने को हम फिल्म से निकालेंगे और हम इस गाने का सिंगल करेंगे. एज यूजल जैसे गाना इनके पास था बहुत सारे गाने हमारे भाई को पसंद आते हैं वो अपने पास रखते हैं. तो ये सेट के हम गाना सिंगल करेंगे और फिर फाइनली आपके सामने जो प्रोडक्ट है वो किस तरह बनकर आया वो आप लोगों ने देखा. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं रात को भी ये बात बोल रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम माई फैमिली बिकॉज दे नो दे हैव अ हैबिट के गाने आते हैं हमारे. कई गानों को पसंद करते हैं कई को नापसंद भी करते हैं. कुछ गाने चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं बट फैमिली का रिएक्शन बहुत कमी से आता है. मेरी फैमिली वही गाने की तारीफ करते हैं कि जो गाना जेन्युइनली लगता है वो कि यार बहुत बढ़िया गाना है. इस गाने की मेरी वाइफ मेरी बहनें मेरी मम्मी दे ऑल आर बिकम फैन ऑफ दिस सॉन्ग. मेरे घर में दिन भर बजता रहता है ये गाना. दे ऑल आर लविंग दिस सॉन्ग सो मच. और मीका भाई को बहुत दुआएं देते हैं सबके. कितनी खूबसूरत आवाज लग रही है मीका भाई की. थैंक यू भाई थैंक यू. ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं. तो ही इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल एंड अ ग्रेट ग्रेट सिंगर वन एंड ओनली किंग. आपके सामने ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आए और ये गाना बहुत ज़्यादा आगे जाए. आमिर भाई
Hi guys, good evening. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पंकज उदास नहीं है, ये हमारे तोशी साहब है. इनको नया नाम हम कपिल पाजी के शो पे गए थे, उन्होंने नया नाम इनको दिया कृष्णा ने, कि आप पंकज उदास जी की तरह लग रहे हैं, लेजेंड पंकज जी की तरह. जी जी लग रहे हैं. बट या सो व्हाट डू आई से अबाउट द सॉन्ग, मीका सिंह इज सिंगिंग द सॉन्ग, शारुख तोशी गिविंग द म्यूजिक. The director is Robbie, is fab. Location was Rishikesh. And when a song is sung by Mika Singh, you know it has to be amazing and it has to be love. So when Mika bhai ne mujhe bola ke it's a romantic song and I want you to be a part of it. Inko dance nahi chahiye tha. Haan, maine bola aapke liye thoda dance wala gana karte na, ye romantic gana kyun. But when he made me hear the song, song is out now, it's a fab number. And main क्या बोलूँ, मतलब इट्स 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 अ वेरी गुड थिंग फॉर मी फॉर 2022. एक स्टार्ट अच्छा हुआ है, वेयर आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स वी हैड, अंडररेटेड सिंगर, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम्स इन आवर कंट्री. एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन द सॉन्ग and not featuring in it. Thank you very much. Yes, now we have gorgeous, beautiful Aditi. What's up? Okay, so jo abhi Mika sir ne kaha, ye mere school time pe chala aa raha hai. Everyone who calls me starts with that. So talking about the song, main kya kahun, it's such an amazing track, matlab such a romantic track. And it's being sung by none other than Mika Singh sir, and he's so fabulous. Matlab, mainse jab mili thi, I have known him from a very long time now. But mainko in fact lambe time se nahi jante, because we all know Mika Singh sir, you know, on TV, everywhere, just everywhere I would say. You hear his songs, like every third track is his. Every time I'm driving in the car, it's his song playing. So having an opportunity ki main yahan pe unke saath ek song kar rahi hu, it couldn't be better than this, way not. And matlab sir ke sath, in fact when I got to meet him for the first time, I heard him singing, I realized, I told him one thing, that sir ki baaki log gaate hain, auto tune hota hai, bahut difference aata hai, but he's exactly how you hear it, how you actually, you know, listen to the song in the final manner, this is the actual way that he sings. उनकी आवाज़ ही ऐसी है कि ना तो कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, ना ऑडियो ट्यून की. आई मीन सो इट इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव टुडे, एंड सर चोज मी फॉर दिस. आई मीन आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड. अबाउट आमिर, ही इज सच अ वंडरफुल स्वीट स्वीट गाय, एंड ही हेल्प मी सो मच बिकॉज ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, एंड ही यू नो हेल्प मी इन एवरीथिंग, यू नो, by showing me how to face the camera, how to, you know, about small intricate details, he helped me there without even me asking for it. So he's such a helpful guy. I mean, and he has just no attitude and so grounded. Thoda sa hai. But he's so grounded, and I didn't feel at all that I'm working with someone that I don't know. He really helped me a lot. And about Toshi and Shareb, what do I say? I mean, I know their song so well. They are such great at what they are so good at what they do. I mean, itna acha composition, itna acha music. I mean, I'm a fan of this song, but just not of this song. To relatively, so many of their songs. Bahut hi ye jo team hai, I mean, it is a really a dream project, you know, ki is tarah se launch hona, aur aapne bhi final product dekha. I mean, I saw it and I was literally amazed and I was feeling very wow about it. Main khud is track ko repeatedly sun rahi hu, and it's a romantic track which gets into your way. So I hope you shower this song as much as love as you have always showered all their work up till now. Sharif, the super talented. Good evening everybody. सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे आने के लिए, और मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, गाना कैसा लगा आप सबको? बहुत
जग्गी कैसा लगा? So guys, बहुत बहुत ही मजा आता है हमेशा विक्का भाई के साथ काम करके. और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, पर एक कोई भी गाने को अपना बना लेने वाली जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ विक्का भाई के पास है. और ये सच बोल रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि कोई गाना आप गाते हो ना तो फिर वो गाना आप ही के स्टाइल में गाना पड़ता, आप ही के स्टाइल में गाता है इंसान जब भी गुनगुनाता है. सो वी मेक म्यूजिक, वी मेक स्क्रैचेज, हम लोग गाने बनाते हैं तो गाने कंपोज करते हैं जब तो खुद ही गाते हैं, और अप्रोच भी ऐसे ही करते हैं अपनी आवाज़ में. पर जब भाई ने रिकॉर्ड किया तो अब मुझे वो आवाज़ याद ही नहीं है कि गाना पहले कैसा था भाई, ये सच बात है. इनफैक्ट दूसरा वाला गाना भी जो आपके दो तीन गाने मेरे पास रोमांटिक, तो वो इतना ज़्यादा मज़ा लेते हैं. और तोशी भाई ने भी ये बोला कि मेरे घर पे मेरे आसपास जितने लोग हैं वो हल्का सा जब इसका टीजर आया था तो वो ट्यून से ही एवरीबॉडी स्टार्टेड लाइकिंग इट, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ सोलफुल सुनने मिलेगा और अच्छा लग रहा है टीजर देख के. और अभी फाइनल प्रोडक्ट आप लोग के सामने है. सो इट्स अ ब्लेसिंग टू वर्क विद सच अ ग्रेट टीम, आमिर भाई, आदिति एंड ईच एंड एवरीबॉडी हु वर्क बिहाइंड द सॉन्ग, हमारे डायरेक्टर साहब रॉबी एंड आदित्य अजीत भाई जिन्होंने लिखा, मार्शल, जिम्मी भाई, वरुण, ईच एंड एवरीबॉडी, सबकी मेहनत. एंड वी हैड ग्रेट टाइम शूटिंग इन ऋषिकेश, बहुत बहुत मजा आया, पता भी नहीं चला कि गाना कब शूट हो गया. एक दिन में ही पूरा गाना हम लोगों ने शूट किया और बहुत इंजॉय किया. सो थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए और गाने को प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि गाना ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, जैसे विक्का भाई के सारे गाने हिट होते हैं वैसे ये गाना भी हिट हो, विद शारिक तोशी, आमिर भाई एंड आदिति बस. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, बस थैंक यू सो मच. और मैं पूरे फैंस का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अक्सर ये अभी आमिर मुझे बोल रहा था हमारे कितने मिलियंस जाएंगे, मैं कह मैं खरीदता नहीं हूँ यार, मैं मिलियंस कमाता हूँ, मैं मिलियंस उस पर लगाऊंगा, मेरे चाहे 400,000 व्यूज आए या 4,000 आए, लेकिन वो जो 4,000 हार्ड कोर फैंस होते हैं मुझे वो पसंद है. सो आई एम श्योर के गाना हमारा व्यूज में भी आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो हम भी कुछ लोगों से सीख लेंगे भाई, या दो चार लोग हैं जो हमें बताते हैं कि खरीदना कैसे होता है. बट ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है, एंड मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे दोनों भाइयों को, शारिब एंड तोशी को, कि दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा यू नो चांसेस मिलने चाहिए बॉलीवुड में. बट अभी बॉलीवुड का म्यूज़िक भी चेंज हो गया, हालांकि मेरी तो लॉटरी लगी कि हर साल मुझे गाने मिल जाते हैं, अच्छे गाने मेरे चलते भी हैं, और जिन फिल्म में मेरे गाने नहीं थे वो फिल्में नहीं भी चलती, ये भी मैं हक से कह सकता हूँ, आपने देखा भी होगा. बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही टैलेंट को हम और आगे लेके जाएँ. थैंक यू. एंड जैसे अरिजीत का सॉन्ग है बहुत अच्छा, कभी जो बात है वो भी इनका कंपोज किया हुआ है, और तुझे मिल के लगा है ये भी इनका गाना कंपोज है. रिसेंटली अभी इन्होंने सनी लियोनी के लिए गाना बनाया है पनगट पे, जो गाना वो बहुत अच्छा चल रहा है, जो कनगट पूर्ण गाया है. और हमारा हार्ट फेल जो HMV में रिलीज हुआ है वो भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है. सो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंट और मतलब ऐसे टैलेंटेड लोगों को और चांस मिलना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे गाने वो बनाए. थैंक यू. पार्लू जी कुछ आप लोग पूछिए सवाल. ये गाना ना बहुत बहुत ही प्यारा गाना है एंड बड़ा ही अच्छा गाना है. गाने के साथ मुझे था कि बस कि ना इंसाफ नहीं होना चाहिए कि मैं खुद कबीर सिंह बन जाऊँ, इतना हैंडसम जब शाहिद कपूर है, तो डायरेक्टर साहब के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर थे उनको बेचारों को मेरे साथ काम करना होता है तो मुझे चढ़ा देते हैं कि नहीं यार जी आपको पता नहीं आप क्या लगते हो, बाइक पे आओगे आप इमेजिन करो यू आर ए बैड बॉय. मैं कह यार गाना बहुत अच्छा है और इसके अंदर हम कोई अच्छा ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा कोई यंग सा लड़का ले रहे हैं टिकटॉक से या कहीं ऐसा से, एक ऐसा होना चाहिए जो वाकई में ही एक्टर हो, मजा हो कलाकार, अगर वो मुस्कुराए तो लगे, अगर वो इमोशन हो तो लगे, तो वो जो फीलिंग आनी चाहिए वो. और मेरा पुराना दोस्त है आमिर, और हम दोनों पुराने चावल, इतने पुराने भी नहीं है, इतने पुराने भी नहीं है तो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था आमिर यार मुझे ऐसा गाना करना, आमिर को डांस करने का बड़ा शौक है क्योंकि नचपली इसने करा था. अगर मिक्का भाई का गाना बन रहा है तो आई लाइक एक्सपेक्टिंग अ डांस नंबर ना, तो मैं यार एक तो पहले ऐसे कर ले. ऊपर से आदिति मिस इंडिया ये भी इनको ये था कि भाई बिकनी शॉर्ट्स होंगे गाने के अंदर ऐसा होगा या पूल में गिरना है या बाहर निकलना है, तो जब गाना ऐसा होगा तो इनको दोनों का ये था कि यार अच्छा ऐसा गाना करना है. बट अब फाइनली गाना बहुत अच्छा बना है एंड मैं सभी मेरे फैंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाना इन्जॉय करें,
जितनी भी रील्स बना सकते हैं रील्स बनाए, एंड जो अच्छी रील बनाएगा स्पेशली गर्ल्स उसको आमिर मिलने आएगा, एंड बॉयज में से जो अच्छी बनाएगा तो आदित्य बिल का, एंड अगर कोई सिंगर अच्छा गाएगा इस गाने को तो शारे मेंतोशी उनको एक अच्छा गाना देंगे। एक्चुअली गाने बहुत कम करता हूँ, इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं करता। आई सी माई कलीग्स डूइंग नॉन स्टॉप वीडियोज, बट टू ही चित्सुन उनको अच्छा लगता है वो करता है, मैं कम करता हूँ। मगर व्हेन अ सॉन्ग लाइक दिस कम्स वे मिका भाई इज अ सिंगर, शारद तोशिया म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड अदिति इज अ प्रिटी गर्ल, व्हेन मिका भाई टोल्ड मी दैट आई एम गेटिंग हर इन द वीडियो, व्हेन द होल थिंग साउंडेड वेरी गुड, वी गोइंग टू शूट इन ऋषिकेश, सो how can you ever not say yes to such a project? And I've known Mika bhai for a long time. He used to come on the sets also of FIR when he used to shoot. Haan, he's been a fan of that show as well. Yeah. So I've met him many times, and hum Calcutta mein mile actually when he was shooting for something else and I was shooting, and he told me ke gana hai mujhe tere saath hi karna hai, and I can't say no to him. Besides being a wonderful singer, he's genuinely a very nice person as well. We all know that. He may be a bad boy for outside world, but inside he's a very nice person. Bad boy with good heart. Bad boy with good heart. Yeah. The only two people, Salman Khan and Mika Khan. Oh. Salman Khan and Mika Khan. Chalega. Salman bhai. Salman bhai sabke bhai hain. Yeah. So of course, yeah, it's a lovely song, and I'm very happy to start 2022 on a good note. Yeah, because already sare gaane bahut acche chal rahe hain. Inshallah. जिस जो भी गाना गा रहा है आजकल स्पेशली हमारी पंजाबी कम्युनिटी तो छा ही रही है, कोई भी पंजाबी गाना था सुपर जा रहा है अभी, ये इसका भी कोको चल पड़ा, ये जो हमारा रॉक स्टार खड़ा है, एक बार खड़ा तो होकर दिखा दे यहाँ पे, इसको आइडिया मैंने दिया था, ये बोलता था यार मैं क्या यार डेफिनेटली विरल बहुत अच्छे हैं, मैं क्या प्रभु भी तेरी प्यारी आवाज़ है क्यूट सा है तू, कहता पाजी कौन मुझे देखेगा जैसे बोलता है ऐसे कौन करेगा वो करेगा, मैं क्या मैं करूँगा, तू मेरे साथ एक बार गाड़ी में बैठ, भेड़ चाल है सारे शुरू हो जाएंगे गाड़ी में बैठ के, तो ये पूरा गाड़ी में बैठा, और उसी वक्त उसके मतलब 5 दिन बाद मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो इसकी बाइक पे ना बैठा हो, तो तब से भाई साहब देखो स्टार बन गए। तो मेरा कहना ये कि गाने आजकल सारे अच्छे चल रहे हैं लेकिन गाने टिक नहीं पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, और जैसे ही इतने अच्छे गाने चल रहे हैं तो मैंने सोचा जब सारे डांसिंग नंबर निकाल रहे हैं तो मुझे लोग पूरा डांस कर लें, पूरा जब शांत होने का टाइम आएगा तो हम एक ऐसा स्वीट सा लव सॉन्ग निकालेंगे जो ऑलमोस्ट फेब तक चले, 14 फेब तक चले। अभी देखो फिर दोबारा से कोविड स्टार्ट हुआ है, बट आई एम श्योर के सारे लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, और हमारी जो डिवाइन टच है हमेशा खाना हमने लंगर बहुत करा है, इनफैक्ट हमारे अमेजिंग हाँ 3 सेंटर थे पहले जो हम चला थे जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमने 3 सेंटर बंद कर दिए और बच्चे आ भी नहीं पा रहे, लेकिन लंगर हमारा कंटिन्यू हमने चलाया, 1000 लोगों के लिए खाना बनाया रोज, अमेजिंग दिल्ली एंड मुंबई दोनों, अमेजिंग थैंक यू भाई। अभी फिर से हालात अच्छे हो गए, आई एम श्योर के जब कभी जरूरत पड़ेगी वी आर देयर, एंड हमारी सारी टीम वहां पे देयर। आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस, सो डिवाइन टच एंड ऑल द हेल्प दैट यू सी इज व्हाट यू नो, बट जितना आप जानते हैं ना उससे मतलब डबल या ट्रिपल सर एक्चुअली में करते हैं, मतलब जितना दिखता है ना उससे डबल या ट्रिपल सर एक्चुअली में, ही इज एक्चुअली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, मतलब मैंने देखा एंड आई कुड नॉट फील दैट ही इज द सेम मिका सिंह दैट आई नो एज अ पर्सनालिटी यू नो एज एन ऑडियंस, ही इज सो हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन दैट ही सीज, इफ यू आर इन नीड ही वुड रीच आउट टू यू, ही वुड नॉट वेट फॉर यू टू कम टू हिम, ही वुड रीच आउट टू यू एंड हेल्प दैट पर्सन, सो इज लिटरली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, डिवाइन टच एंड ऑल दैट, 3 लंगर ये तो आप सिर्फ जानते हैं, इससे बहुत ज़्यादा असर एक्चुअली में करते हैं। थैंक यू और कुछ जी चल रहा है हाँ चल इनके साथ मैंने अभी ज़बरदस्ती 10 गानों का कॉन्ट्रैक्ट करा, इनकी एक विश थी कि ये कपिल पाजी का शो ये उनको बहुत प्यार करते हैं, हम सब प्यार करते हैं, वो हमारी बिल्डिंग में
और इस बात का मुझे बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरी बिल्डिंग में, कई बार मैं ज़बरदस्ती बोलता कल आ रहा हूँ मैं तुम्हारे शो पे, तो इतना हमने एक दूसरे को हक दिया हुआ है। तो भाई साहब को पता चला मैं जा रहा हूँ कपिल पारी के शो पे, अब दोनों कभी एक पूल टेबल खेलने आ रहे, कभी ये मिठाई लेके आ रहे, कभी मुद्दे की बात नहीं कर रहे क्या चाहिए। मैं भाई ठीक है चाहिए क्या भाई, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए भाई, आपसे प्यार है ये है, मैं प्यार तो ठीक है लेकिन बस भाई सोचा बस भाई के साथ बैठना है, तो मैं क्या बता करने का भाई कपिल पाजी के शो में लेके जाना तो मैं क्या पहले तुम 10 गानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि तुम अब मिडास टच हो गए, आपने देखा बैक टू बैक 3 गाने आए हैं विद इन 3 वीक्स में, राइट 3 हफ्तों में 3 गाने आ गए जी। तो मैं क्या उसके बाद तुम हाथ में आने वाले, मेरे देखो 10 गाने साइन करके दो, फिर तुम्हें मैं हर जगह लेके जाऊँगा। बेचारों ने बहुत प्यारे गाने बनाए हैं, एंड आई एम श्योर के आने वाले गाने हमने ओल्ड इज गोल्ड हम करेंगे कुमार शानू जी अलका जी, ये तो इन सभी के साथ हम एक गाना प्लान कर रहे हैं। द लेजेंड्स करके एक एल्बम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10 गाने होंगे और सभी लेजेंड्स जो सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उदित जी, उदित जी, कुमार शानू साहब और अलका जी, जितने भी लोग हैं, अजीम सराज इज हियर राइटर ऑफ अ सॉन्ग, एक चेयर ले लिया विजय वो बड़ी वो दे दे वाली कोई, तो उसकी तैयारी चल रही है एंड जोक्स अपार्ट एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई को जब वो किसी को प्यार करते हैं तो उनको सामने वाले से कोई लालच नहीं होता है, वो बिना लालच का प्यार करते हैं, ये इनकी एक आदत है, इन्हें कोई लालच नहीं है हमसे, इनका प्यार बिल्कुल बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल पक्का है, ये प्यार करते हैं तभी। जिस तरह से मिक्का भाई हक रखते हैं पे, तो हम भी वैसा ही हक, नहीं बिल्कुल हक है तुम्हारा, सही बात, Whenever we record the song, it's like घर आ जाओ चलो लंच करते हैं, लंच करके फिर खाना रिकॉर्ड कर लेंगे, चलो डिनर करते हैं फिर अपन गाना रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इट्स लाइक अ वेरी होमली फीलिंग। तो जैसे हम बाकी सिंगर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो एक बाकायदा एक स्टूडियो बुक करना है हमको, टाइमिंग पे इतने बजे पहुँचना है, ये करना है वो करना है, तो थैंक यू भाई फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, थैंक यू। और जेन्युइन वाला प्यार है, मतलब ये एक ऐसा वाला नहीं कि मीडिया सामने है, लोग हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं, वो सच में उनके दिल में प्यार है। मेरा प्यार मीडिया से ही बहुत है, थैंक यू सो मच आप सभी आए हैं सो मच, और आप जानते हैं मैं आपको हमेशा आप बहुत प्यार एंड बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आपकी वजह से हम लोग चलते हैं, खास करके मैं तो आपकी वजह से चलता हूँ जब से चलता हूँ। बहुत सारे लोग इतना प्लान करते हैं कि ये कुछ हो जाए, मैं छुपा रहता हूँ तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है, बट आप हमेशा जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू पारुल, थैंक यू एवरीवन फॉर मेक मी फील सो स्पेशल। जो राइटर है वो थोड़ा लेट आए, अजीम भाई एक बार बोल रहा, ताली अजीम भाई के लिए इतना कमाल, हमारा काम तालियां मारना सर, तालियां, हां सही समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी गाना अधूरा होता है जब तक उसके अल्फाज उसकी उसके लिरिक्स अच्छे ना हो, तो बहुत ही खूबसूरत लिखा है अजीम भाई ने। अजीम भाई ने पहले भी हम लोग का एक गाना लिखा था कभी को बादल, जो कि बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुआ है, ये हम लोग का दूसरा गाना है, और अजीम भाई कुछ बोलना चाहते हो गाने के बारे में? मैं थोड़ा लेट पहुँचा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद खुशी भाई ने ये बहुत बेहतरीन कंपोजिशन मुझे दी थी लिखने के लिए, और फिर उस पर सोने पर सुहागा हुआ कि मिक्का भाई ने गाया उसे, और मेरी मतलब फेवरेट कंपोजिशन थी, हमेशा मैं पूछा करता था कि कब आएगा ये गाना, मेरी भी हाँ, और आज ये गाना फाइनली आ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और आप लोग उसे बस कामयाब बनाए पसंद करें, हमारे लिए खुशी की बात यही है। जगी भाई श्री के पास सैंपल चेक करो, एक बार लाइव भी गा देंगे। आज के माहौल पे कुछ सुना दो। शेर को काफी मैंने लिखे हैं और शेर की जरूरत कम पड़ती है, जब शेर बैठा हो तो शेर की जरूरत नहीं पड़ती, कम पड़ती है। एक शेर है कि भूल कर भी नहीं रोने दूंगा मैं तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ सबको। हाँ जी बोलो बोलो। भूल कर भी नहीं रोने दूंगा मैं तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा। और एक शेर इस तरह से है कि तू बता दे यकीन कर लूंगा,
तेरा लहजा क्यों सर्द रहता है? यकीन कर लूंगा तेरा लहजा क्यों सर्द रहता है, मेरे सर की कसम न खाया था, इसमें पहले ही दर्द रहता है। चलो जो तुझे देखने से मिलता है सारा मसला उसी सुकून का है, इसमें आसानियां नहीं होती, इसको तू नाम ही जुनून का है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये 2022 का मजनू है, आप लोग इसको जितना बिल्कुल प्यार देंगे उतना उतना ही अच्छा है। हम लोग के लिए दुआएं आशीर्वाद जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूंगा कि चूंकि हम भगवान ने इतनी प्यारे फैंस दिए, इतनी प्यारी आवाज दी, इतना प्यारा म्यूजिक दिया, तो हम दो लाइनें लाइव जरूर आएंगे। बिकॉज आजकल जहां आप जाते हैं लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, गाना गाते नहीं कोई, एक अच्छी सी मॉडल डांस कर रही होती है, एक बंदा डांस कर रहा है, अरे गाओ तो सही, लाइव तो गाओ, तुम्हारा खुद का गाना नहीं, सीधा लाइट चलती, डिस्को लाइट चलती है, कैमरा चलता रहता। हम थोड़ा लाइव सुनाएंगे क्योंकि हमें गाना आता है, और जिनको नहीं आता तो प्लीज नेक्स्ट टाइम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव जरूर गाएं, रिकॉर्ड करना। हाँ नहीं भाई, तो ये हमारा ड्रमर भी है, इसको भी हमने साइन करा है, हर वीडियो में ड्रम बजाएगा। आए भाई कम गैरी ब्रो, ये कितने हटाया शर्फ शर्फ तुम, ये फोन आ भाई, माय फोन उनके पास, ड्रमर ले लेना इनके पास है। हाँ ये वो ले लिया भाई। हाँ परफेक्ट, नहीं ये बिना रुपए भी चलेगा हमारा, इन हटा ना तो थोड़ा सा इधर कर दो, ये बस 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 वो ठीक है, गुड्डू गुड्डू बस परफेक्ट। इनको गिटार तो दे दो शायद, बहुत अच्छी गिटार उसने बजाई है, और इनफैक्ट जो हमारे रियल वीडियो में रियल सॉन्ग में जो गिटार बजाई है उसने, क्या नाम बोल गया, आदिल, आदिल ने बहुत अच्छा गिटार बजाया। एंड हमारा जो प्यारा भाई है जो बहुत ही अच्छा अरेंजर है, जिसने बहुत खूबसूरत गाना अरेंज करा है, आदित्य देव, वो आज आए नहीं है, लेकिन आदित्य थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा गाना अरेंज करा। नहीं सी जो आपने इतना ऊँचा बजाना, नहीं बजाना आप एक बार देखा ना श्री जी भी थोड़ा माइक बता, कभी मजू बना कभी ना जा।
ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਲਾ ਰਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਨਾ ਓ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਨਾ ਅਬ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸਦਾ ਤੇ ਜਬ अपनी कुर्सी कर दे।